नमस्कार सभी को। जब मार्केट में करेक्शन आता है तो सबसे बेस्ट तरीका है अपना डिलीवरीज़ को, जो डिलीवरीज आपके डीपी होल्डिंग्स में, उसका ट्रेडिंग रेंज प्रॉपरली स्पॉट करने के बाद अगर वो अभी भी अपने लोअर रेंज से ऊपर है तो वहाँ पे उसको शॉर्ट कीजिए और लोअर रेंज के पहले कवर कर लीजिए। अगर आपको फ्यूचर्स में शॉर्ट सेलिंग करना है तो प्रॉपरली आपको टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करना है उस पर्टिकुलर स्टॉक का, साथ ही मार्केट का भी ट्रेंड आपको देखना है कि वो अभी भी बॉटम जा सकता है कि नहीं जा सकता है। फ्यूचर्स में अगर शॉर्ट सेलिंग करना है तो ऐसे स्टॉक्स को चुनिए आप जिसका वॉलीटिलिटी कम हो, जिसका वॉल्यूम भले ही कम हो लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वॉलीटिलिटी कम हो। जहाँ पे वॉलीटिलिटी कम होगी आपका लिमिटेड रिस्क रहेगा। अगर वॉलेटाइल स्टॉक में आपने फ्यूचर्स में शॉर्ट सेलिंग किया तो बहुत चांसेस रहते हैं कि लोअर लेवल से उसको नीचे से कांस्टेंट बाइंग मिलता है और वो अपना ट्रेंड चेंज कर देता है। तो अगर फ्यूचर में शॉर्ट सेलिंग करना है और आप अगर आपके पास डीपी में वो होल्डिंग्स नहीं है तो ऐसे स्टॉक्स को ढूंढिए जहाँ पे जिसका वॉल्यूम भले ही कम हो लेकिन एट द सेम टाइम वॉलीटिलिटी भी कम हो। रिमेंबर, डोंट डिले, इन्वेस्ट टुडे।